देखिए छोटा सा एक जानकारी लेके आया हूँ। प्रॉब्लम है 16 चक्का का आईचार गाड़ी का, ठीक है। ये हमारा ड्राइवर साहब है, बताइए सब क्या मतलब क्या परेशानी है। लाइट का परेशानी था, नीचे का लाइट जल रहा था, ऊपर का लाइट नहीं जल रहा था। मैं बनाया हूँ फिर भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कुछ कमी है उसीलिए हम दिखाने वाले वीडियो में, ठीक है। और देखिए भाई का नाम तो मैं पूछने भूल गया था, नाम क्या बताइए भाई? राजमान नेता। घर कहाँ है? गाड़ी का नाम बता दे रहा हूँ, पावर। इसका मतलब क्या होता है पावर बोलने से, इंजन का पावर बोल के 600 हॉर्स पावर का है, 840 टन इसका पासिंग है। लाइट जल रहा था, ऊपर का लाइट नहीं जल रहा था, तो हमको प्रॉब्लम क्या मिला हम दिखा रहे हैं। देखिए अंदर समझना चाहिए ताकि उसको बना सको। देखिए वायरिंग गाड़ी सेंसर गाड़ी होता है, अगर अंदाज में आप किधर का क्या क्या खोल देंगे तो आपको परेशानी फॉल्ट नहीं मिलेगा और बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए हर गाड़ी में इंडिकेशन दे रहता है कहाँ पे क्या फ्यूज़ बॉक्स है, सब चीज़ इसमें डिटेल में लिखा रहता है। थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ने आना चाहिए ताकि गाड़ी बनाने के लिए, सेंसर गाड़ी के लिए, ठीक है। देखिए इसमें सब चीज़ में लाइन में दिखा हुआ है, इसमें अलग में मेरे को दिखा हेडलाइट का अपर डिपर बोल के, इसमें 16 एम्पियर बोल के लिखा है, इसमें भी 16 एम्पियर। ये देखिए 10 एम्पियर का लगा हुआ था, तो 10 एम्पियर का तो फ्यूज उड़ गया था इसका। आईचर कंपनी क्या करता है कि फ्यूज़ बॉक्स के लिए टूल किट देते हैं हमारा। देखिए हर कंपनी फ्यूज़ देता है इसमें, मेन फ्यूज़, छोटा फ्यूज़, जितना भी प्रकार का फ्यूज़ बॉक्स है इसमें हर स्टेपनी के लिए देता है। इसे हमारा टायर स्टेप नहीं देता है, वैसे फ्यूज़ बॉक्स भी स्टेपनी में देता है। इससे पहले भी एक बार बदल चुका, फिर भी रास्ता में परेशानी हुआ। ये देखिए पूरा पुराना फ्यूज उड़ा हुआ था, तो हमारे इसमें प्रॉब्लम बार बार इसीलिए आ रहा है, नया गाड़ी में प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है। देखिए इसमें 16 एम्पियर का लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें कितना 10 एम्पियर का डाल रहे हैं, मिलना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 10 एम्पियर का डाल के दे रहा हूँ और ड्राइवर साहब को मैं दिखा भी दूंगा कहाँ फ्यूज रहता है, उड़ने से क्या करना है। स्टिपनी हम भी एक दो फ्यूज इनको दे दूंगा इसको। ये देखिए स्टिपनी भी एक दो फ्यूज मैं इनको दे दे रहा हूँ ताकि अगर रास्ते में परेशानी आता है तो फ्यूज जल के जाए। और मैं इसका हमेशा के लिए बोलता हूँ कोई भी गाड़ी हो वायर बांध के नहीं चलाई सेंसर गाड़ी में। अगर गाड़ी जो देख रहे हैं ना कोई भी गाड़ी हो आजकल पूरा सेंसर से चलता है, वायरिंग से चलता है। अगर आप वायर बांधते तो आपको वायरिंग जलेगा तो आपको रास्ते में बहुत बड़ा परेशानी होगा, उसीलिए हम लोग फ्यूज स्टिपनी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेडी हो गया, हम लोग अभी जाएंगे, इसको बहुत रेट हो रहा है। देखिए रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं, कोले कुत्ते का आवाज़ सुनाई दे रहा है, सही कि नहीं भाई? सही है। ठीक है भाई, कैसे लगा मेरा काम? ठीक लगा भाई, अच्छा लगा। हाँ ठीक है, अभी देख लिया ना कहाँ से क्या करना है, ठीक है। अगर कुछ परेशानी आता है तो वो चीज़ को देख के आप जा सकते हैं आपका मंजिल, ठीक है। वायर कभी ना बांधे, वायर बांधने से आपको बड़ी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गाड़ी में, पूरा सेंसर गाड़ी में है, ठीक है। अगर कहीं पर परेशानी है तो मेरा कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ आपको, उसमें आप फ़ोन करके आ सकते हैं, ठीक, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका आसपास इधर घाट मिलेगा आपको, घाट में कुछ भी चीज़ का आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी हेल्प कर। देखिए नंबर नोट करिए, 6266 31 31 22 22 66। इसी में व्हाट्सएप है, इसी में कॉलिंग है, ठीक है। सवेरे 8 बजे से शाम को 10 बजे तक एक कूलर रहेगा, उसके बाद बंद रहेगा मोबाइल, ठीक है। नया वीडियो के साथ मिलेंगे, नया नया प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। देख सकते हैं खूबसूरती है हमारा आईचर, 16 चक्का है हमारा आईचर, BS6 न्यू गाड़ी है।